हबीबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं साजिद रहमान एंड वेलकम टू एनदर व्लॉग के अंदर। भाई आपकी पुर इसरार रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज मौजूद हूं वादी जिन। जो लोग तो सऊदी अरब में रहते हैं उन लोगों को भी, और जो लोग उमरा या हज करने आते हैं उन लोगों को इस नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि वादी जिन क्या है और ये वादी जिन कहाँ पे है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि वादी जिन एक जगह, एक इलाके का नाम है, ठीक है, जो कि सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के पास ये इलाका पड़ता है। ये लोगों को गुमान है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ जिन रहते हैं भाई, ठीक है, जो कि हर चीज़ को ना वो धक्का लगाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि पानी की बोतलें रखते हैं और पानी की बोतलों को जब वो छोड़ते हैं ना तो वो ना एक ढाल बनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं ढाल बनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोई ढाल नहीं बनी हुई, लेकिन आप पानी की बोतल या कोई भी चीज़ गाड़ी न्यूट्रल करके अगर आप छोड़ दें तो वो गाड़ी भी दूसरी तरफ चलती जाती है ऑटोमेटिक। तो लोग जो कहते हैं, जो कि हमने भी सुना हुआ है कि पीछे से ना मतलब क्या होता है कि जिनमें वो गाड़ी के वो धक्का लगा रहे होते हैं और गाड़ी चल रही होती है। तो आज ये ना ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग खुद भी यहाँ पे आए हुए हैं कि वाकई ये सच है या वैसे ही एक मतलब के प्रोपोगंडा या एक झूठ के ऊपर ये बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह तफसीलन बताऊँगा, खुद भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सब एरिया दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या कुछ मिल सकता है देखने को और खाने को सब कुछ। तो आ जाए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी तरह जिन्होंने ये सुना हुआ है वादी जिन का नाम, वो यहाँ पे आके देखें, कुछ तो फोटोशूट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ जिन है, भी जो जिन हमें नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो जिन तो हमें नजर नहीं आ रहे लेकिन ये यहाँ पे ऊँट है जिसके ऊपर आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए अपने एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि ऊँट के ऊपर बैठ के इंजॉय करने जा रहे हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये ऊँटों को भी ना पीछे से जिन धक्का लगाते हैं, ठीक है, और ये ऊँट ना ऑटोमेटिक आगे को चलते जाते हैं। अभी कम फ्लो सारा अशरा, ये दस रियाल भी अगर आपने इसके ऊपर बैठना है तो दस रियाल में आपको ये एक राउंड देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है, इसकी ऊंचाई चेक करें आप, ठीक है। तो शायद इस पहाड़ी के पीछे भी जिन छुपे हों, आई डोंट नो, हो सकता हो कोई भी दाशीदा जिन इसके पीछे भी छुपा हुआ हो। और यहाँ पर आपको गन्ने का जूस जो कि फ्रेश मिल जाता है, अदा कम फलूस मुमकिन अशरद गाय का कम अशरीन। अच्छा भाई ये अगर आपने इसके ऊपर बैठना है तो 10 भी लड़के वो मांग रहे हैं 20 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें छली वगैरह और ये चाय, ये बड़ी मज़े की होती है, सऊदी लोग बहुत पीते हैं ये चाय, ठीक है, इसको चाय हत तो बोलते हैं, यानी लकड़ी के ऊपर ये चाय बनाई होती है। अभी हम लोग ना ये मोटर बाइक का एक्सपेरिमेंट करने लगे, सबसे पहले चेक करते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं कैसे। चले साके भाई चले आज बिस्मिल्लाह करें। ये साजी साहब चला रहे थे, एक्सपीरियंस नहीं था, कंडो वाली झाड़ियों में फंस गए हैं, अभी हमने हेल्पर मंगाया बाहर। है भाई साकिब भाई अभी बैठ गए हैं बाइक के ऊपर, यल्ला साकिब हबीबी, लुफु लुफु माशाल्लाह, ले भी साकिब साकिब मियां मियां भाई साकिब पास हो गया भाई। ओके शुक्रिया हबीबी शुक्रिया। हमारा जो बाइक का एक्सपेरिमेंट था वो तो हो गया, यहाँ पे तो किसी जिन जुने तक कैंड लगाया, खुद रेस देना पड़ती थी और खुद बाइक जो है ना बाइक ही चल रहा था। अभी चलते हैं हम लोग अपनी गाड़ी का एक्सपेरिमेंट करने, न्यूट्रल करके हमने छोड़नी है गाड़ी, देखते हैं कितने स्पीड तक चलती है। जो हमने सुना हुआ कहते हैं कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गाड़ी चलती है अगर आप न्यूट्रल करके छोड़ते हैं तो वो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे ये मुमकिन है, ठीक है। फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको कि इसका रीज़न क्या है। भाई अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं पानी के साथ, तो साकिब भाई ने हाथ में पानी पकड़ा हुआ देखें, और ये पानी थोड़ा सा रोड पे फेंकेंगे, देखते हैं किस तरफ जाता है। साकिब भाई फेंकें ना जरा, अभी हमने पानी भाई ये फेंक दिया और ये जा रहा है इस तरफ, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाता है भाई पानी। तो ये पानी जा रहा है इस तरफ, ठीक है, अभी हम लोग गाड़ी जो है ना वो भी इस तरफ लेके जाएंगे और देखते हैं कि पानी इस तरफ जा रहा है, उसी तरफ गाड़ी भी चलती है इस तरफ न्यूट्रल करके,
भी चले आ जाए। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, गाड़ी का स्विच ऑन है ठीक है, लेकिन ये गाड़ी न्यूट्रल है ठीक है, देखते हैं कितनी स्पीड तक गाड़ी चलती है। अभी 20 तक गई है और ये देखें बिल्कुल न्यूट्रल है गाड़ी, कोई गियर हमने नहीं डाला हुआ। और मेरा जो एक्सेलेटर है ना, जो रेस है, रेस के ऊपर से मेरा पैर देखें साइड पे है, ये देखें, और गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है अभी, ये देखें, ये 40 तक चली गई गाड़ी भी। और आगे दिखाएं भाई, और ये देखें कोई ऐसी रोड की ढाल नहीं है या कोई उतराई नहीं है कि जैसे कि आपको लग सके कि नहीं यार हम ऊंचाई से उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ फील हो रही है, नहीं ये, बल्कि जिस तरफ हम जा रहे हैं ये थोड़ी सी ऊंचाई है इस तरफ, तो ऊंचाई की तरफ गाड़ी हमारी जा रही है। अब गाड़ी की स्पीड देखें भाई बढ़ना शुरू हो गई है। वाह यार, ओए होए 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 साकिब भाई, ये तो सच है यार, वाकई गाड़ी यहाँ पे चलती है इतनी स्पीड में। देखें आगे आगे कोई ना आए भाई, वरना आज जो है ना जिन आप लोगों को हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब कुछ कर रहे हैं जिन कर रहे हैं भाई। साकिब भाई जरा पीछे मुड़ के देखे ना यार, मैं तो नहीं देख सकता, कोई जिन तो नहीं पीछे है। ओए यार ये देखें भाई, जिन पीछे गाड़ी में टक्कर लगा रहे हैं। ओए होए होए साकिब भाई 80 प्लस हो गई गाड़ी, ये चेक करें भाई। और भी मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई क्योंकि गाड़ियां आगे से आ रही हैं, तो हमें बचना पड़ेगा इन गाड़ियों से, क्योंकि जिन तो नहीं हमें बचाएंगे लेकिन हमें बचना पड़ेगा। ये है सारा जिन्नों का कमाल भाई, और गाड़ी चली गई है साकिब भाई, फिर व्यूअर्स को दिखाएं। ये देखें भाई 90 तक चली गई और न्यूट्रल भी दिखाएं, देखें गाड़ी अभी तक न्यूट्रल में है, ये देखें कोई गियर नहीं डाला हुआ, और मेरा पैर ब्रेक के ऊपर है, ये रेस है, ये ब्रेक के ऊपर मैंने पैर रखा हुआ है, क्योंकि ब्रेक किसी टाइम भी लगाना पड़ सकती है। देखें और आगे साकिब भाई स्पीड बढ़ गई है, मुझे लग रहा है कि ब्रेक लगाना पड़ेगी थोड़ी सी हल्की सी। 110 तक भी गाड़ी गई थी ठीक है, बिल्कुल इंजन ऑफ था, हमने सिर्फ और सिर्फ स्विच जो आना गाड़ी का वो ऑन रखा हुआ था, वो इसलिए ताकि मीटर भी नजर आ सके, वरना मीटर बंद हो जाता है गाड़ी का अगर हम स्विच बंद करें, इसलिए स्विच ऑन किया हुआ था। स्टेयरिंग जो है ना, ये भी मूवमेंट होती है स्विच अगर गाड़ी का ऑन हो, वरना जो स्टेयरिंग है वो जैम हो जाता है। तो 110 तक यहाँ पे गाड़ी जाती है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, अभी जो स्पीड है ना वो लो होना शुरू हो गई है। अभी हम बस गाड़ी को न्यूट्रली रखेंगे, देखते हैं कहाँ तक ये चलती है ठीक है, कितने किलोमीटर तक चलती है। अभी तक हम 2.5 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं, तो मज़ीद आई थिंक मुझे लग रहा है अभी 80 तक आई है, तो ये गाड़ी बंद होते होते मज़ीद 1 किलोमीटर तक और सफ़र हो जाएगा। अभी 40 और 40 से कम होना शुरू हो गई है, तो मैं कहता हूँ यहाँ तक हम ब्रेक लगा देंगे ठीक है ना। ये मैंने ब्रेक लगा दी है और यहाँ पे साइड पे हमने गाड़ी ये रोक दी है ठीक है। अभी गाड़ी से बाहर आते हैं साकिब भाई, तो बाहर हम यहाँ से थोड़ा दिखाते हैं व्यूअर्स को रोड की जो ढाल है वो कैसी आ जाए बाहर, और थोड़ी सी भी हम तफसीलन बताते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा मामला है जो ये सब कुछ आपने देखा और हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपीरियंस हुआ हमारा, आ जाए। ये देखें ये जगह जो आपके पीछे मेरे नजर आ रही है, सारा पहाड़ी एरिया ठीक है, यहाँ पे पहाड़ों के अलावा कोई आपको दूसरी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई जो मैंने पढ़ा है और जो कि मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक यहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल्स है ठीक है, अगर आपने इस लोकेशन को ट्रैक करना है तो लोकेशन में भी वही लिखा था कि मैग्नेटिक हिल्स ठीक है, जो कि आपकी गाड़ी की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। तो भाई ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई ज़्यारत नहीं है, ना हज लोगों के लिए, ना उम्र वाले लोग, उम्र वाले लोगों के लिए, किसी के लिए भी ये ज़्यारत नहीं है, ये मिस कंसेप्ट है, ये गलत फहमी है लोगों के दिमाग में ठीक है। बाकी मैं वीडियो में थोड़ा बहुत जोक किया है ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक हिल्स है ठीक है, जो कि आपको अपनी तरफ खींचती है वो चीज़ ठीक है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। और ये ना कि सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में ये जगह है, बल्कि ये और भी काफ़ी सारी दुनिया में इस तरह की जगह है, जाके अमेरिका की एक रियासत है फ्लोरिडा, वहाँ पे भी इस तरह की एक जगह है। अच्छा आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसकी रियलिटी क्या है, शायद मेरे नॉलेज में कमी हो। बस आज की वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो